वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। देखो इस वीडियो में हम चैप्टर फिफ्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, एसिड बेस और साल्ट, कि अम्ल, क्षार और लवण। वी यूज इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन साल्ट, शुगर, विनेगर। डू यू दे हैव द सेम टेस्ट? कि आपके पास कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं जैसे साल्ट है, शुगर है, लेमन है, ठीक है, तो क्या इन सभी का टेस्ट सेम होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस listed in table 5.1. if you have not tested any of these substance, test it now and enter the result in table 5.1. देखो कुछ substance आपके table में दे रखे हैं 5.1 में, कह रखा है कि आपने क्या इनको test कर रखा है, अगर नहीं कर रखा तो test करो और उसको fill करो। question दे रखा है कि do not test anything unless asked to do so, कि टेस्ट नहीं करना है जब तक नहीं कहा जाता है, और आपको टच नहीं करना है जब तक आपसे कहा नहीं जाए, ठीक है ना। तो टेबल 5.1 में लेमन जूस आपको बताना है सब्सटेंस क्या है, टेस्ट में बिटर है, सोर है, ठीक है ना, खट्टा है या फिर कड़वा है, ये बताना है आपको। तो लेमन जूस आपका सोर होता है, खट्टा होता है, ऑरेंज जूस भी, ठीक है ना, विनेगर भी और कर्ड भी, इमली, टैमरिंड, ठीक है ना, इमली आपकी खट्टी होती है, सोर और शुगर, शुगर आपकी क्या है, शुगर आपकी सोर में आएगी, एनी अदर में आएगा ये शुगर, ठीक है ना, एनी अदर, ना तो ये खट्टी होती है और ना ही ये आपकी कड़वी होती है, मीठी होती है, ठीक है ना। कॉमन साल्ट ये क्या है, कड़वा होता है भाई, बिटर। आमला, आमला खट्टा होता है, सोर, ठीक है ना, बेकिंग सोडा, ये इसमें कोई स्वाद नहीं होता, ठीक है ना, फीका फीका होता है, तो आप एनी अदर लिख देना इसको, ठीक है। ग्रेप्स क्या है, ग्रेप्स खट्टे होते हैं, अनरिप मैंगो, यानी कि जो मैंगो पका नहीं है, तो पका नहीं होता मैंगो, तो क्या होता है, वो खट्टा होता है, ठीक है ना, तो सोर। कुकुम्बर, कुकुम्बर क्या होता है, कड़वा होता है भाई, बिटर होता है, ठीक है ना, मीठा भी होता है। अब देखो इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, बिटर भी है और आपका क्या है, स्वीट भाई इसमें, तो आपको ये क्या करना है, इसमें बिटर करना है। You find the sum of these substance test, so some test bitter and some test sweet and some test salty. कि भाई कुछ का क्या है, टेस्ट खट्टा होता है, कुछ का टेस्ट कड़वा होता है, कुछ का मीठा होता है और कुछ का साल्टी होता है। तो 5.1 में देखो एसिड और बेस के बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं एसिड और क्या होते हैं बेस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। देखो दही, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये जो स्वाद में खट्टे होते हैं ये सब्सटेंस, ठीक है ना, तो ये एसिड कंटेन करते हैं, इनमें एसिड होता है, ठीक है, अम्ल होता है, और जो केमिकल नेचर होता है ऐसे सब्सटेंस का, इन्हें एसिडिक कहा जाता है, अम्लीय, ठीक है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसरी विच मीन्स सोर, इसका मतलब क्या होता है, खट्टा, ठीक है। एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड, इन सभी सब्सटेंस में नेचुरल एसिड होता है, ठीक है ना, प्राकृतिक अम्ल। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के बारे में, डज इट आल्सो टेस्ट सोर, क्या ये खट्टा होता है? इफ़ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट, तो इसका स्वाद कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट, कि भाई बेकिंग सोडा जो होता है इसमें कोई एसिड नहीं होता है, इसलिए खट्टा नहीं लगता। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, तो ये बिटर होता है, ठीक है ना,
बिटर आएगा ऑप्शन, यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। देखो हम इसके सॉल्यूशन को अगर हाथों पे मलते हैं तो इस ये क्या है साबुन की तरह क्या होता है हमारे हाथों में लगता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक बिटर है, कड़वा होता है। जनरली सब्सटेंस लाइक दिस सच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। जो सब्सटेंस क्या होते हैं जनरली आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं और साबुन की तरह फील होती है हमें उनको टच करने पर, तो ये क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है ना। चार, द नेचर ऑफ द सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। ऐसे सब्सटेंस का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, ठीक है ना। ऐसे सब्सटेंस का जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक, क्षारीय। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, यदि हम हर एक सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, एवरी सब्सटेंस को हम टेस्ट नहीं कर सकते तो हम कैसे इनका पता लगाएं कि, ठीक है ना। तो सब सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर इस सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। देखो स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं यूज कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है, इनको हम कहते हैं इंडिकेटर। कुछ सब्सटेंस को हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इनको देखने के लिए भी कि एसिड है या बेस है, तो जिनको हम यूज़ करते हैं वो इंडिकेटर कहलाते हैं, ठीक है ना, चेक करने के लिए कि भाई ये एसिड है या बेस है, ठीक है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। जो भी एसिड और बेस वाला पदार्थ होता है उसका कलर ये चेंज कर देता है इंडिकेटर, ठीक है ना। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल के, ठीक है ना, पत्तियाँ, गुड़हल की पत्तियाँ आर सम ऑफ द नेचुरली अक्यरिंग इंडिकेटर्स। ये क्या है, आपके प्राकृतिक इंडिकेटर्स हैं, ये शो करते हैं कि भाई ये क्या है, जो सब्सटेंस हमारे पास एसिड है या बेस है, इनको लेकर हम उन्हें चेक करते हैं। आगे देखो ये टेबल दे रखी है आपकी, डू यू नो नेम ऑफ द एसिड फाउंड इन, कि एसिड का नेम दे रखा है और ये कहाँ पाया जाता है उसके बारे में, ठीक है। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, विनेगर में, ठीक है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में। सिट्रिक एसिड जो खट्टे फल होते हैं ऑरेंज लेमन ईटीसी इनमें पाया जाता है, ठीक है ना। सिट्रिक एसिड आपको याद रखना है, सिट्रिक एसिड लेमन वगैरह और खट्टे जो फल हैं उनमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है, ऑक्सलिक स्पिनच में, ठीक है। एस्कोर्बिक एसिड आमला सिट्रस फ्रूट। देखो जो लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में दही में पाया जाता है, ठीक है ना। ऑक्सलिक एसिड किस में, पालक में पाया जाता है। एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है, जो कि आमला सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। आपको याद रखना है कि विटामिन सी जो खट्टे फ्रूट्स सिट्रस वाले फ्रूट हैं जैसे आमला है, ठीक है ना। टार्टरिक एसिड टैमरिन इमली में, ग्रेप्स में और कच्चे आमों में, इनमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड। ऑल अबोव द एसिड मेंशनड अबोव अकर इन नेचर। और कुछ बेस दे रखे हैं आपके, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडोज क्लीनर, ठीक है। लाइम वाटर वो होता है जो आपका, लाइम वाटर आपका वो होता है दूधिया कलर का होता है ये, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। भुजा हुआ चूना ये होता है जैसे CaCO3 कैल्शियम CaO
ये नहीं, आपका ये बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है ना, बुझा हुआ चूना। और ये आपकी सफ़ेदी जो होती है अगर रोपे करते हैं, ठीक है ना, वो उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडोज़ जो विंडो वगैरह क्लीनर होते हैं, ठीक है ना, उसमें एक बेस पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है, सोप में, साबुन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये वाला जो इसके अंदर पाया जाता है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस, ठीक है ना, मैग्नीशियम MgOH का, और ट्वाइस, ठीक है, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब देखो ये, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट, क्या हमें सभी सब्सटेंस के टेस्ट को पता करना चाहिए कि भाई खट्टा है, कड़वा है, कैसा है, ठीक है ना, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती सभी की, ठीक है। हमारे पास कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कि देखो 5.2 नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, कि नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे आसपास होते हैं जो यह दिखाते हैं कि भाई ये एसिड है या बेस है। तो लिटमस ए नेचुरल डाई, फर्स्ट क्या है लिटमस पेपर, देखो लिटमस जो है वो एक नेचुरल डाई की तरह काम करता है। और ये लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है, आपका लाइकेन, शैवाल से। द मोस्ट कॉमन यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, इट इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम द लाइकेन, लाइकेन से प्राप्त, शैवाल से प्राप्त किया जाता है। इट हैज़ ए मोव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो आश्वित जल होता है उसमें इसका कलर पर्पल होता है, ठीक है ना। और इसको जब एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये लाल रंग का हो जाता है, और जब अगर बेसिक में डाला जाता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है ना। ये देखो इट टर्न ब्लू, इट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल होता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर, या तो ये सॉल्यूशन, ठीक है ना, लिक्विड की फॉर्म में रहेगा, या फिर स्ट्रिप पत्तियों पत्तियों में रहेगा, कागज़ की सी पत्तियाँ होंगी, ठीक है ना, इसकी नोन एज लिटमस पेपर, ठीक है ना, जो पत्तियाँ होती हैं स्ट्रिप वो पेपर, पेपर की पत्तियाँ, इनको हम लिटमस पेपर कहते हैं, ठीक है। देखो जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एज ब्लू लिटमस पेपर, ये दोनों में पाए जाते हैं आपके, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, जो दोनों में, ठीक है ना। ये देखो ये लाइकेन होती है, ठीक है ना, ये लाइकेन है, ये आपकी लिटमस पेपर है, पत्तियां सी होती हैं इसकी। इस वाले को देखो ब्लू वाला है, इसको अगर हम किसी सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर इसका रंग रेड हो गया, ठीक है ना, अगर इसका कलर रेड हो गया तो वो एसिड है सॉल्यूशन, अगर इसका कलर ब्लू का ब्लू ही रहा तो इसका क्या है, बेस है ये, ठीक है। एक्टिविटी 5.1 दे रखे हैं, 5.2 इसमें इंडिकेटर की बात कर रखी है। देखो टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। चाइना रोज के बारे में बता रखा है एक्टिविटी में, चाइना रोज, ये देखो चाइना रोज, इसमें इसका कलर चेंज कर देता है ये, ठीक है ना, ये देखो ये एसिड वाला है, ये बेस वाला है, ठीक है ना, ये इंडिकेटर है, इसको मिलाया जाता है तो, ठीक है। और हमारा एक्सपेरिमेंट इनके साथ करना है आपको, लेमन जूस के साथ क्या होगा, ऑरेंज विनेगार, इनके साथ अलग अलग बेस और इसमें क्या दे रखे हैं आपके, एसिड दे रखे हैं, उनके साथ इस सॉल्यूशन का करना है आपको, चाइना रोज का, ठीक है ना। अब देखो आगे भी दे रखा है, 5.4 दे रखे टेबल,
एक्टिविटी 5.4 के लिए, ठीक है ना। ये देखो आपका एक्टिविटी 5.4, ये देखो एसिड दे रखे डाइल्यूट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन कौन से करने हैं, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, ऑक्सलिक एसिड, ठीक है। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या फ़र्क पड़ता है, देखो उसमें कलर चेंज हो जाता है। टर्मरिक पेपर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन, चाइना रोज सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लैब का ये वर्क है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5.3, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन में देखो उदासीनीकरण होता है, ना तो ये एसिड होता है और ना ही ये आपका बेस होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर को कंप्लीट करेंगे उसका तो आपकी एक्टिविटी भी करवाएंगे, ठीक है, एक्टिविटी भी कवर करेंगे इनकी।